मत कहो, विक्की भाई कहो, समझे? ठीक है चलो, मगर डैन तो तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ, कि तुम अभी आए हो। हाँ, डैन तुम्हें लेना पड़ेगा। जानते नहीं तुम, मैं सेठ जी का बेटा हूँ, मैं नहीं डैन लूंगा। ठीक है तो भी मैं ही लेता। चलो एक दो तीन, ये वरुण हमारे साथ नहीं खेलेगा। पर क्यों? मैंने कहा ना, मेरी मर्जी। ठीक है ठीक है, चलो पकड़ो मुझे, चलो एक दो तीन। परेशान और ऊपर से तुम सता रही। मुझे पता है माया, तुम्हें भी भूख लगी है। रुको मैं देखता हूँ, अगर कुछ घास बसी हो तो लाता हूँ। रुको, नहीं माया, सारी घास खत्म हो गई। पर माँ गई है ना बाजार, वो जरूर कुछ ना कुछ लाएगी। जब भी देखो वरुण इस गाय के साथ खेलते रहता है, उससे बातें क्या करता है, गाना क्या गाता है, नाचता भी है उसके साथ, पर कभी मुझे नहीं खेलने देता। रुको अब मैं तुमसे खेलता हूँ। उससे मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाए। विक्की भाई, उस वरुण को भी दो ना। नहीं मैं नहीं दूंगा उसे, वो अपनी गाय के साथ मुझे खेलने नहीं देता। मैं नहीं दूंगा मेरी चॉकलेट्स उसे। वरुण वरुण, क्या ये सच है? पिंकी तुम्हें पता है, ये विक्रम भाई मेरी माया को बहुत सताता है, उसके सींग खींचता है, पूंछ मरोड़ता है, उसे मारता है, उसके पीठ पर भी बैठता है। नहीं मैंने तो सिर्फ उसे वरुण इस गाय को सब सिखाता है। नहीं पिंकी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे पापा से ही कहता हूँ इस गाय को खरीदने के लिए। वैसे भी तुम्हारी माँ हमारे घर आती है कुछ भी चीज मांगने के लिए, आटा दो, पैसे दो, ये दो, वो दो, चावल दो। क्या हुआ माया, तुम नहीं जाना चाहती इस विक्रम भाई के पास? देखा, ये भी नहीं जाना चाहती इस विक्रम भाई के पास। कैसी आती नहीं वही देखता हूँ। चलो पापा से कहेंगे, चलो अब जाना ही पड़ेगा। चॉकलेट चलो, चलो।, चलो। क्या कह रही हो, रो मत, तुमने सुना ना वो क्या कह गया? वरुण वरुण रो मत, रो मत। नहीं पिंकी, ये वो अब मेरी माया को ले जाएगा, उसे सताएगा, मारेगा। वरुण रो मत।
वरुण रो मत ना वरुण, वरुण वरुण बेटा, वरुण देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या। अरे यहाँ क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? हाँ अब समझी, भूख लगी है ना मेरे बेटे को। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। और मेरी माया के लिए? तुम्हारे लिए जो लाया है ना वो खा लो पहले, माया का बाद में देख लेंगे। पर माँ तुमने ये सब कहाँ से लाया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हें उससे क्या, तुम खा लो चुपचाप। नहीं माँ, पहले मुझे बताओ, तुम सेठ जी के पास गई थी ना? हाँ। तो उन्होंने दिए तुम्हें ये पैसे? हाँ वो वरुण मैंने बेच दिया अपनी माया को, सेठ जी ने उसे खरीद लिया। पर माँ तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं मैं मेरी माया को नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये खाना। वरुण देखो बेटा, अच्छे बच्चे बिल्कुल जिद नहीं करते। अब हमारे पास सिर्फ माया ही तो बची है जिसे बेच के हम पैसे ला सकते हैं। कुछ नहीं था इसलिए माया को बेच दिया, और वो भी उस सेठ जी को। तुम्हें पता है वो विक्रम भाई इसको कितना परेशान करता है? हाँ बेटा मुझे मालूम है, पर मैं मजबूर हूँ। पूजो इस पिंकी को, वो उसकी सींग खींचता है, उसकी पीठ पर बैठता है। हाँ बस मुझे मालूम है, सब मालूम है मुझे, लेकिन क्या करूँ मैं? बता तुझे क्या खिलाऊँ और उसे क्या दे दूँ? तुम्हारे पिताजी ने जाने कहाँ चले गए हैं और हमें छोड़ गए पीछे इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए। वरुण घर में जो भी था मैंने सब बेच दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं सिवाय इस गाय के। देखो तो इसे भी बहुत दुख हो रहा है। नहीं मैं मेरी माया को नहीं दूंगा। वरुण देखो जिद छोड़ दो, मान लो मेरी बात, सेठ जी बस आते ही होंगे इसे ले जाने के लिए। नहीं देखते क्या हो? ले ले उसे कम से मैं। जी सेठ जी अभी लेता हूँ, लेता हूँ, लेता हूँ, लेता हूँ। हाँ ले लो, चलो। कैसे नहीं आती वही देखता हूँ। ये छोड़, तू तो गधा का गधा ही रह गया, किसी भी काम का नहीं है, एक गाय नहीं पकड़ सकता। रुको पापा मैं जाता हूँ उसके साथ। आ जाओ जाओ, चलो ढूंढिया। एक बार हमारे कब्जे में आने दो, फिर देखो इसे कैसे बांध के रखता हूँ। चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। चलो जी। वरुण की माँ, कल सुबह होने से पहले ये गाय हमारे घर आनी चाहिए, नहीं तो हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो फिर वरुण को पुलिस के हवाले कर देंगे, समझी? मुझ पर दया कीजिए, ऐसे मत कीजिए, सिवाय इस वरुण के मेरा और दुनिया में कोई नहीं है। नहीं हमें गाय मिलनी चाहिए। नहीं तो लौटा दो हमारे पैसे, पैसे पैसे पैसे। हाँ वरना पुलिस के हाथ कर दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं समझा दूंगी वरुण को। हाँ नहीं कुछ भी हो जाए मैं मेरी माया को नहीं दूंगा। अच्छा देखते हैं कैसे नहीं देता गाय। चलो हम पुलिस थाने ही चलते हैं। इसे पुलिस के हवाले ही करेंगे, 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 करेंगे। चलो, 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 चलो। ये क्या किया वरुण तूने? सेठ जी ने हमें जो पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? जाओ अब तुम ही इस माया को बेच आओ किसी बाजार में, किसी ऐसे इंसान को जो उसे अच्छी तरह से रखे, प्यार से संभाले। मैं थक गई हूँ अब। क्या करूं मैं माया, चलो देखते हैं कोई मिलता है क्या। देखो मेरे पास जैसे ही बहुत पैसे हो जाएंगे ना मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। रो मत माया, विश्वास रख हमें कोई ना कोई जरूर मिलेगा। चलो सचमुच ये वरुण कितना प्यार करता है अपनी गाय से।
बेचारा मजबूरी से इसे बेचने जा रहा है। बच्चों क्या हम इसकी मदद करें? बाबा जी ये सूर। हाँ अभी याद आया, मेरे पापा भी ऐसे ही बांसुरी बजाते थे। अच्छा? हाँ तब मेरी माँ भी बहुत खुश होती थी, फिर वो मेरी उंगली पकड़कर ऐसे 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 नाचती थी और ये माया भी हमारे पीछे पीछे ऐसे ही दौड़ती थी। लेकिन अब तो बहुत दिन हुए मैंने अपनी माँ को इस तरह खुश होते नहीं देखा। एक दिन अचानक मेरे पापा कहीं चले गए और तब से हमेशा रोती रहती है मेरी माँ। अरे ये क्यों चिल्ला रही है? इसे भूख लगी है। देखो तो इस झोले में क्या मिलता है। बाबा जी इस झोले में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना, अब देखो। अब देखो घास। बाबा जी आप ये घास दे दो उसे, और तुम्हें भी भूख लगी है ना? हाँ क्या हुआ, माँ गई थी बाजार पर। ये लो। पर बाबा जी आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? तुम खा लो पहले, बाद में बताता हूँ। चलो माया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ इस गाय को यानी मेरे माया को बेचने। वैसे तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता, पर हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये गाय है, इसलिए माँ के कहने पर मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। अच्छा तो ये गाय मुझे दे दो। आपको? ठीक है, आप इतने अच्छे हैं, उस विक्रम भाई की तरह इसे परेशान तो नहीं करेंगे। माया तुम जाओगी ना बाबा जी के साथ? मा, मा। पर बाबा जी आप मुझे पैसे कितने दोगे इस गाय के बदले में? मतलब माँ ने मुझे इसे बेचकर पैसे लाने के लिए कहा था। पैसे? पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं माँ से क्या कहूँ? देखो बेटा पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास ये कुछ बीज है। बीज? हाँ ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये बीज लेकर मैं क्या करूंगा? मतलब ये बीज लेकर सेठ जी थोड़े ही मानने वाले हैं। अरे ये मामूली बीज नहीं है, जादू के है। जादू के? जादू के? हाँ। यानी ये बीज चमत्कार करेंगे, तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देंगे, ये बीज तुम्हें अमीर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर बाबा जी ये बीज मुझे कैसे पैसे देंगे? ये तुम खुद ही देख लो, ले लो। बाबा जी सचमुच ये जादू के बीज है। और ये लो बांसुरी, ये लो बांसुरी। जब भी तुम किसी मुसीबत में हो ये बांसुरी और उसके सुर तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा जी मुझे बहुत पसंद आई, पर क्या माँ को? अरे लगता है बाबा जी चले गए। बाबा जी मेरे माया से अच्छा बर्ताव करना, उसे खाने के लिए घास देना, उससे खेलते रहना। अरुण, अरे ये अकेले में किसके साथ बात कर रहे हो बेटा? अरे अरे वरुण
वो बहुत अच्छे इंसान थे, दयालु थे। वो माया को कभी परेशान नहीं करेंगे, उससे अच्छा बर्ताव करेंगे। तो क्या तुमने माया को उन्हें ऐसे ही दे दिया? हाँ, अकेले थे बिचारे, अब उन्हें हमारी माया का साथ भी मिलेगा ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अच्छा वरुण, उस बाबा जी ने तुम्हें पैसे कितने दिए? पैसे? हाँ? पैसे तो नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? नहीं। तो माँ, पैसे नहीं दिए, पर ये कुछ बीज दिए है। बीज? हे भगवान, बीज? मेरे तो नसीब ही फूट गए, अब मैं क्या करूँ? पैसों के बदले में बीज लेके आया है मेरा बेटा। रो मत माँ, पर ये मामूली बीज नहीं है, जादू के बीज है। जादू के? जादू के बीज? हाँ, वो बाबा जी कह रहे थे। उन बाबा जी ने फंसाया तुम्हें। हे भगवान, मेरी गाल ले गए। वो सेठ जी तो अब हमें घर से बाहर निकालेंगे, अब मैं क्या करूँ? वरुण की माँ, हाँ तुम्हारी गाय, अब तो पुलिस आती होगी। अरे गाय कहाँ है? तो इस वरुण ने उस गाय को बेच दिया होगा, तो फिर लौटा दो हमारे पैसे। लौटा दो हमारे पैसे? हाँ, लौटा दो हमारे पैसे, पैसे पैसे पैसे। जी वो बात ये है कि वो बाबा जी है ना, उन्होंने फंसाया मेरे वरुण को और वो गाय ले गए। झूठ बोल रही हो? हमारे पैसे वापस नहीं करने इसलिए झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही हो? झूठ बोलती हो? झूठ झूठ झूठ। नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दुर्भाग्य, गाय के बदले में बीज लेके आया है मेरा बेटा। बीज? गाय के बदले में बीज? पैसे के बदले में बीज लेके आया? पागल रे पागल। सुनो तो, ये मामूली बीज नहीं है, जादू के है। जादू के? जादू के? जादू के बीज है? हाँ, ये देखो जादू के बीज, देखो देखो। अब ये बीज इकट्ठा करते बैठो। वरुण की माँ, कल सूरज उगने से पहले अगर हमारे पैसे नहीं लौटा दिए ना, तो वरुण को पुलिस के हवाले कर देंगे, याद रखो। चलो 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 चलो। अब मैं क्या करूँ? मत माँ, पर सचमुच ये जादू के बीज है, वो बाबा जी झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा था ना तुमसे, उस पापा जी ने फंसाया तुम्हें। कैसी जादू, कैसा बीज? Come on.
अरे जेंगो जेंगो मॉन्स्टर है हम P-5-4-5 जेंगो मॉन्स्टर है हमारा नाम। अरे जरा पूछो पूछो क्या है हमारा काम? छोटे छोटे बच्चों को काट कर खाना है हमारा काम। P-5-4-5 छोटे बच्चों को ऐसे मारता हूँ जैसे हो कोई मच्छर। खून उनका पीता हूँ चूस चूस कर। सिर पे अपने कढ़ाई लेकर बच्चों को उसमें तलता हूँ और भूख लगने पर खा लेता हूँ। P-5-4-5 जेंगो जेंगो मॉन्स्टर है हम। मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती है। आप लोगों को देखना है कितना डरती है, देखना है देखना है। उसके लिए क्या कहना होगा? P-5-4-5 जरूर दिखाऊंगा अभी। बीवी ओ बीवी बीवी क्या है? आप मुझे हमेशा बीवी 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 कहकर क्यों पुकारते हो? मेरा नाम है शालमली और आप है जो बीवी 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 बीवी। ये बिल्कुल नाम है शालमली। तुम इंसानों के नाम याद रखने में कितने मुश्किल रहते हैं। हम राक्षसों के नाम देखो कितने मधुर और सुंदर रहते हैं, जैसे कि बकासुर, जैसे कि शंकासुर, जैसे कि कानपुर, जैसे कि नागपुर। ठीक है ठीक है, बताइए आपने क्यों बुलाया मुझे? अब सबसे पहले ये बता तुम इस खिड़की की तरफ क्यों देख रही हो? मैं हमेशा देखती हूँ। क्यों देखती हो? कितना डरती है? अरे चुप हो जा। ऐसे नहीं सुनेगी, ऐसे नहीं सुनेगी। तुझे ये सोने के अंडे फेंक कर मारता हूँ। अंडा फेंक कर मारता हूँ। सपाट, बिल्कुल सपाट। चुप हो जा। ये रोने वाली लड़की मैं इस घर पर बीवी बना के क्यों लाया मुझे ही नहीं पता। चुप हो जा। अब मेरे खाने का समय नजदीक आ रहा है। इसको आज ये कितने सारे बच्चे और मैं अकेला। सुनो मेरी वाइफ कहाँ है? मेरी नाइफ। आपकी नाइफ? आपको याद नहीं सुबह आपने निकाली थी आपकी नाइफ? सुबह उस बकरी को मारने। बकरी जो झाड़ पर चलती है और जाल बुनती है वो मकड़ी। बकरी वो वाली। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरा छुरा निकाल कर रखना। हाँ। तब तक मैं आज किसको कौन कौन आएगा मेरे साथ? P-5-4-5 बच्चे है ज्यादा और भूख है कम। अभी आया मैं। P-5-4-5 छोटे बच्चे खाता है। P-5-4-5 अब ये राक्षस किसी को मारने वाला है इसके साथ? मुझे नहीं देखना बाबा, मुझे नहीं देखना। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मजेदार घर है ये। तुम कौन हो? मैं वरुण, ये बेल चढ़कर आया। वो तो मैंने देखा। मतलब क्या हुआ? वो बाबा जी थे ना। हाँ। उन्होंने मुझे कुछ बीज दिए। हाँ। जादू से, उसी से ये बेल उगला। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ? प्लीज यू। अब तो मैं यही रुकने वाला हूँ। वो बाबा जी कह रहे थे
तुम्हें यहाँ बहुत पैसे मिलेंगे। प्लीज मेरी बात मानो, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या है? बाप रे छुरा, इतना बड़ा है। इसे हाथ मत लगाओ। तुम क्या कर रही हो इससे? इसकी धार भी बहुत तेज है। मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं उस राक्षस के खाने की तैयारी कर रही हूँ। राक्षस? तुम इधर राक्षस रहता है? हाँ, चैंगो राक्षस। तुम्हें पता है, मैंने कभी पहले राक्षस नहीं देखा। वो कैसा है? मैं बताती हूँ। वो ना बहुत बड़ा है, वो ऐसे 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 करके चलता है। उसे बच्चे बहुत पसंद है। हाँ, चाचा नीर को बच्चे प्यारे थे वैसे ही ना? नहीं बाबा, वो बच्चे तलता है और फिर खाता भी है। इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। पर बिगर पैसे में नहीं जा सकता। मुझे मेरी माँ को दिखाना है कि बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर मैं क्या करूँ? छोटा बच्चा सुनता है। बच्चे को इतने सारे दोस्त मैंने दावत पर बुलाए हैं और सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? मैंने बनाए हैं कान के पकोड़े और नाक की चटनी। मैं क्या खाऊंगी? तुम्हारे लिए मैंने फिंगर चिप्स बनाए हैं या फिर आई बॉय सॉप। छोटा बच्चा सुनता है हम। यहाँ पर जरूर कोई आया है, इस घर पर जरूर कोई आया है। कौन आया यहाँ पर? मैं आई हूँ यहाँ पर। तुम आई है यहाँ पर? हाँ। तुम नहीं, यहाँ पर जरूर कोई आया है। कौन आया इस घर पे? कौन आया इस घर पे? इंसान का बच्चा मेरे घर पे? लिया जो तूने उसको घर पे, बाल नहीं बचेगा सर पे। छोटा बच्चा सुनता है हम। यहाँ पर जरूर कोई आया है। नहीं नहीं नहीं। जरूर कोई आया है। नहीं नहीं नहीं। ढूंढना होगा। अब बताओ यहाँ पर कौन आया है? झूठ बोल रही हो? नहीं। तो तुम्हें कसम खानी होगी। अब लो यूं फूर राक्षस की कसम। फूर राक्षस की कसम यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमारा भगवान है वो। हाँ। भगवान ही हमारा शैतान है वो। तुम झूठ बोल रही हो? नहीं। भगवान तुम्हें सजा देगा। भगवान? किससे भगवान? भगवान नहीं, ये राक्षस। राक्षस तुम्हें सजा देगा, एक अनोखी सजा। तुम्हें नाचना होगा मरते दम तक, थकते दम तक। इसे सजा देनी है ना? नहीं नहीं, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी देनी पड़ेगी। ये मेरा राज है, ये मेरा घर है, मैं इसे जरूर सजा दूंगा। तर तर ताशा, तर तर ताशा, बाहर आ जा।
आजा, आजा। ऐसा दर तर्ताशा हुकुम आका आका मैं हूँ यहाँ का आका, कोई भी ना कर सका मेरा बाल बाका। टिम 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 की डम डम ढोल, अरे कर कर ताशा जरा जोरों से बोल, इंसान का बच्चा है मेरे घर पर, मेरी बीवी ने उसको रखा है छिपा कर, जरा पूछ उसे नाच नचा कर पूछ। सपन, अपनी जगह पे जाके बैठ जा। हुकुम आका। आका, 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 कोई भी ना कर सका मेरा बाल बाका, 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 मैं यहाँ का राज। P5O5, ये बक्सा, ये पैसे की थैलियाँ यहाँ पर किसने निकाली? मैंने निकाली। क्यों? आपको मदद करने के लिए। मुझे मदद करने के लिए? तुमने ये थैलियाँ चुराई तो नहीं? नहीं। मुझे फिर से गिननी होगी। नहीं गिननी होगी। गिननी होगी ना? यार, सारी थैलियाँ बाहर निकालो। नहीं। निकालो। हाँ, ठीक है। मेरे पिताजी ने बताया था, ना बाप बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया, ना होल थिंग। कौन आया है यहाँ पर? पैसे सोने के पैसे, पैसे पैसे मेरे पैसे। अब देखना तुम लोग मेरी गिनती देखना, एक और एक दो, दो और दो चार, चार चार और दो पच्चीस, चार और दो पच्चीस नहीं, चार और दो कितना? छः। चार और दो छः। अच्छा, चार और दो छः, छः और दो आठ, आठ और एक नौ, P5O5, एक थैली इसमें है कम, कहाँ पर गई? शह, आपको कुछ नहीं आता, मैं दिखा दियो। गिरो। 10, 9, 8, +2, +2, +1, 10, 10, 10 10 है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, कुछ गड़बड़ है, मुझे बताओ अपने हाथ में उंगलियां कितनी होती है? 10। थैली अभी उतनी ही थी? उतनी है। नहीं है, मुझे बताओ ये उंगलियां कितनी है? 9। थैलियां कितनी है? 9। नहीं नहीं नहीं, 10 है, 10 है, 10 है। P5O5, होशियार होशियार राक्षस है हम। इसे फिर से गिनता हूँ, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और दो पचास, चार और दो पचास नहीं, चार और दो छः, चार और दो छः। हाँ। सबको गलत सिखाते, हमारा स्कूल सबसे बड़ा है। नहीं। ठीक है, चार और दो छः, हाँ। छः और दो आठ, आठ, आठ और एक दस, आठ और एक नौ, P5O5, अरे टोपी नहीं पहने ना हम, होशियार होशियार राक्षस है हम। एक थैली कहाँ पर गई? कहाँ पर गई? कहाँ पर गई होगी? कहाँ गई होगी? मैं भी पूछ रहा हूँ कहाँ गई होगी? उस थैली के ऊपर निकले होंगे और वो खिड़की में से उड़ गई होगी। परफेक्ट, वो देखो जा रही है, एक थैली वापस आ जा। झूठ मत बोलो मुझसे, बता मेरी थैली कहाँ पर है? वो थैली ना, वो आपके पीछे पड़ी है। मेरे पीछे? तुम चाहती हो कि मैं पीछे मुड़कर देखूं ताकि तुम यहाँ पर P5O5 ना ना ना। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ मेरी तरफ देखिए और अपना लेफ्ट हैंड पीछे कीजिए। लेफ्ट हैंड पीछे करूं? हाँ। लो कर दिया। राइट नहीं बाबा, लेफ्ट। राक्षसों के दिमाग हमेशा उल्टे चलते हैं। तो फिर राइट हैंड पीछे कीजिए। राइट हैंड पीछे करूं? हाँ। कर दिया। आगे 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 आगे, पीछे 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 पीछे, नीचे 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 नीचे, अरे अरे ऊपर 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 ऊपर, नीचे नीचे नीचे, अरे ऊपर ऊपर, नीचे 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 नीचे। P5O और फम भी? ये थैली जमीन से गिरी या आसमान से निकली?
शायद इस पेटी ने उसको निगल लिया होगा। मुझे इसके दांत गिनने होंगे। कहाँ जाती है तू? कहाँ जाती है तू? अरे भी, अरे पाइपो, अरे, 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 अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। उड़ सकती है मुर्गी थोड़ी है। ये थैली कहाँ से आई? जाने भी दीजिए, मिल गई ना। हाँ, मेरा पैसा मुझे मिल गया। आज खत्म हुई। पैसा। हाँ, खबरदार आगे चलकर इस बक्से को हाथ मत लगाना। ठीक है, मैं फ्री फायर परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ये बक्सा अंदर रख देती हूँ। बक्से को हाथ मत लगाना। ये बक्से में छोटा बच्चा सुनता है हम? कहाँ पर है? तुम अंदर जाओ और मेरे खाने की तैयारी करो। जाओ। हाँ, पहले ये बक्सा रख देती हूँ और फिर आपकी। अरे बक्से को हाथ मत लगाना। रख दो वहाँ पर। जाकर पहले मेरी कढ़ाई लेकर आओ। सिर पे अपने कढ़ाई रखकर छोटे छोटे बच्चे रखता हूँ तरकारी। आज तो बहुत सारे। हाँ, मेरी कढ़ाई लेकर आओ। जाओ। ठीक है, पहले बक्सा रख देती हूँ और फिर कढ़ाई। बक्से को मेरा प्यारा पैसा। अब इस कुर्सी पर बैठ कर। अरे अरे मेरी मुर्गी, मेरी प्यारी मुर्गी। इस भागा दौड़े की तरफ मैं तुम्हारी तरफ ध्यान देना भूल ही गया। अब मैं तुम सारे बच्चों के लिए गाना गाऊंगा। मुर्गी मेरी सुन लो ना। कैसे गाता हूं मैं? सबको पसंद है। मुर्गी मेरी सुन लो ना। सोने के अंडे दे दो ना। एक दो तीन चार अंडे देना बेशुमार। एक अंडा आ गया जो मुझको मिल गया। पांच छह सात आठ जल्दी दे वरना रख दूंगा तुझको मैं काट। सुने का डंडा जो भी खाएगा पड़ेगा डंडा। यह है मेरा अंडा। नौ दे। जब भी गिनती शुरू होती है मुझे नींद आ जाती है। स्कूल में भी मैं ऐसे ही सोया करता। 3 5